अभी देते दूंगा। तो आज की वीडियो पूरी तरीके से इस चीज़ के ऊपर होने वाली है कि जोनाथन ने जो अपना पिछली लाइव स्ट्रीम करी थी उसमें उनका जो डिवाइस था वो IQ 9 था, और जनरली जब वो खेलते हैं तो वो आईफोन के ऊपर खेलते हैं, तो उसमें डिफरेंस कितना ज़्यादा है उनका गेम प्ले या मतलब इंडिया के बेस्ट प्लेयर का गेम प्ले भी अगर वो आईफोन से एंड्रॉयड के ऊपर स्विच होता है तो क्या क्या डिफरेंसेज आते हैं। तो उसके लिए मैंने काफ़ी देर तक उनकी लास्ट स्ट्रीम देखी और उसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जिसको देखकर आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आओ यार बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर एम ट्रांसफर वाली। जब आप एक पर्टिकुलर फोन पे बहुत ज्यादा देर तक खेलते हो और उसमें बहुत ज्यादा देर तक प्रैक्टिस भी करते हो तो आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है कि आप इतना ज्यादा उसको अगर मूव करोगे तो इतना ही आपका एम मूव होगा। बट इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ही सबसे पहले यही निकल के आ जाता है कि जोनाथन जब अपने आईफोन पे एम मूव करते हैं तो एम ट्रांसफर मारने में उनको इतनी ज्यादा हैबिट हो चुकी है कि इनको बहुत अच्छे से पता है कि कितना उनको एम मूव करना है। बट यही मसल मेमोरी आ जाती है जब वो अपने IQ 9 में खेलना स्टार्ट करते हैं, तो जितना उनको मूव करने की आदत है उतना ही वो अपने IQ 9 में कर रहे थे, जिसकी वजह से इतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही थी स्टार्टिंग में एम लेने के लिए। एग्जांपल के लिए देखिए ये वाली क्लिप्स। अभी देते दूंगा। अब सबसे पहले चीज़ ये स्टार्टिंग के मैचेस में से एक की क्लिप है जहाँ पे उन्होंने नया नया गेम खेलना स्टार्ट किया था और उसमें भी यहाँ पे एम असिस्ट ऑफ होने की वजह से वो उतना ही उसी हिसाब से एम मूव कर रहे थे अपना जितना वो आईफोन में करते हैं, जिसकी वजह से उनका एम काफी ज्यादा मिस हो रहा था क्योंकि आईफोन का जो जायरोस्कोप होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो उसी हिसाब से अपना एम मूव कर रहे थे। बट एंड्रॉयड होने की वजह से वो जायरोस्कोप जो है वो उतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनको अपना एम एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसके बाद ये वाली चीज़ थोड़ा स्लो मोशन में देखो। ये वाला ग्लिच एग्जैक्टली वही वाला ग्लिच है जिसपे स्काउट बहुत ज्यादा नाराज हुए थे एंड्रॉइड फोन के ऊपर और उन्होंने बहुत ज्यादा गालियां दी थी ऑन स्ट्रीम। अगर याद नहीं आया तो दिला देता हूँ। बस इधर ही हैं, सभी इधर ही हैं भाई, ले ले भाई बदला। क्या हो रहा है भाई ये? ओ, 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 ये कैसे होगा? तो जोनाथन भी अपने गेम प्ले में ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे कल की स्ट्रीम में, लेकिन उस सबके बाद में भी वो सारी की सारी चीज़ें शांति से टॉलरेट कर रहे थे। इसका बहुत बड़ा रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि वो वाली स्ट्रीम IQ 9 ने स्पॉन्सर कर रखी थी और स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में उनको ये दिखाना ज़रूरी था कि भाई वो गेमिंग फ़ोन गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है और उनकी एक मेजर ऑडियंस BGMI है, तो BGMI में ही वो कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस करेंगे तो वो उसको बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं कर सकते थे। उस चीज़ का पॉइंट ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता और यही रीज़न था कि वो IQ 9 पे खेलने की वजह से भी एम असिस्ट ऑफ करके खेल रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा दिखाना था कि वो रेगुलर ग्राइंड उस फोन के ऊपर भी कर रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि सारे कंपेटिटिव प्लेयर्स हायर लेवल पे आईफोन को ही प्रेफर करते हैं। और इस वाली बात को और भी सॉलिड तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आप लोगों को क्लिप दिखाता हूं और आप लोग खुद बताओ आप में से कितनों को लगता है कि जोनाथन ने वो चीज चैट में पढ़ के ही बोली थी। ब्रो IQ पे नहीं खेल रहे हो भाई, ऑब्वियसली बे IQ सम बूम बम नेक्स्ट लेवल गेमिंग फोन। तो ये सारी चीजें होने के बाद में भी उन्होंने बिना कंप्लेन करते हुए एम असिस्ट ऑफ करके ही पूरी स्ट्रीम पे खेला। और अगले पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं, उसके लिए दिखाता हूँ आपको ये वाली क्लिप। अरे बेबी गर्ल, उन्होंने यहाँ पे बंदे को तो ज़रूर से मार दिया, लेकिन उसको मारने के लिए जो उनका एम था उसकी जो हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही थी, जो हेड हाइट उनकी नॉर्मली रहती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही थी और इसी चीज़ को एडजस्ट करने में उनको काफ़ी ज़्यादा खेलना पड़ा था स्ट्रीम के ऊपर और उसके बाद जाकर वो थोड़ा इम्प्रूव कर पाए थे इस चीज़ को। वहीं पर अगर इनके हाथ में आईफोन होता तो इस चीज़ को बहुत आराम से ये मैनेज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर इनको डिवाइस चेंज करना पड़ा। तो वहीं पर अगर आईफोन होता तो उनको पता था उनको पूरा 180 डिग्री टर्न करके मारने के लिए कितना टिल्ट करना है, बट उसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए उनको ज़्यादा टिल्ट करना पड़ा अपना IQ 9। उस चीज़ की वजह से उनको, क्योंकि हैबिट नहीं थी इस डिवाइस पे, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टिल्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो एम था वो ज़्यादा नीचे चल रहा था। अब इसी चीज़ से मिलता जुलता है मेरा अगला पॉइंट, जो कि है ADS खोल के ट्रैक करना। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है एंड्रॉयड में स्कोप खोलने के बाद एम ट्रेसिंग और एम ट्रांसफर में। कितना
अब अगर आपने पिछले क्लिप्स को ध्यान से देखा हो तो आपको पता चला होगा कि जब वो ट्रेस कर रहे थे तो उनका एम जो था वो थोड़ा सा पीछे रह रहा था, क्योंकि इतना एम अगर वो आईफोन के अंदर मूव कर रहे होते तो आराम से बंदा ट्रेस हो रहा होता, और क्योंकि एम असिस्ट ऑफ है तो उनको सारी चीज़ें खुद से ही करनी है। तो इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने अपना एम कुछ ज़्यादा ही आगे मूव करना शुरू कर दिया था कि अगर उनका स्कोप आगे रहेगा तो उसमें बंदा खुद चल के भी आ जाएगा, जिस वजह से उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब यहाँ पर अगर एम असिस्ट ऑन होता तो सारी की सारी बुलेट्स चिपक रही होती बंदे के ऊपर, और ये सारी चीज़ें एकदम क्लियरली इसीलिए दिख रही थी क्योंकि एम असिस्ट ऑफ था और जोनाथन को ये सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ रही थी। बट इसी चीज़ को उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से सुधारा कि कुछ ही देर के अंदर उनका एम कुछ इस तरीके का हो गया था। अब देखो ये सब चीज़ों पे बात करने का रीज़न बहुत बड़ा यही है कि आप लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा कि जोनाथन का माइंडसेट क्या चल रहा था वो स्ट्रीम करते हुए, वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वो सारा गेम खेल रहे थे, और एम असिस्ट ऑफ रखना उनके लिए ज़रूरी क्यों था। और यार इस प्लेयर की कैपेबिलिटी हम सब जानते हैं, और जब ये प्लेयर अपने प्राइम फोन पे खेलता है तो मैंने जिन जिन पॉइंट्स की बात करी वो किस तरीके से चेंज हो जाते हैं आप खुद ही देखिए। जब ये एम ट्रांसफर मारते हैं तो चाहे जितनी स्पीड से मारे, चाहे इनका एम असिस्ट ऑन हो या ऑफ हो, वो बंदे के ऊपर ही जाता है, और यही कैपेबिलिटी है। और वहीं पे जो मैंने बात करी थी हेडशॉट्स वाली, उसके लिए आप खुद देखिए। अरे राजू ये तो अब इस सब के पीछे भी बहुत ही सिंपल सी रीज़न है। यहाँ पर देखो ये जो बंदे मैंने मारे हैं बैकग्राउंड में, उसमें भी मेरा एम असिस्ट ऑन होने की वजह से उनकी बॉडी की तरफ खींचा चला जा रहा था। तो अगर मुझे प्रॉपरली हेडशॉट्स करने हैं तो मुझे अपना सारा एम जो है वो ऊपर की तरफ खींचना भी है, लेफ्ट राइट जिगल भी देना है, और लेफ्ट राइट अगर बंदा होगा तो उसको ट्रेस करने के लिए अपना क्रॉस हेयर भी मूव करना है। तो ये सारी चीज़ें एम असिस्ट ऑन होने के बाद कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट वहीं पर जोनाथन का अगर आप एम देखो तो एम असिस्ट ऑफ होने की वजह से उनका क्रॉस हेयर पहले ही हेड हाइट से ऊपर पहुंच जाता है कि उनके जितने भी शॉट्स लगेंगे उसमें से ज्यादातर शॉट्स उसमें हेडशॉट्स ही जानते रहेंगे, और एम असिस्ट ऑफ होने की वजह से उनको एम अपना नीचे खींचना भी नहीं पड़ेगा, जिस वजह से क्रॉस हेयर भी उसी हाइट पर रहेगा और हेडशॉट्स लगातार कनेक्ट होते चले जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा स्किल भी इस चीज में ही लगती है कि आप अपना एम जो है वो लेफ्ट राइट मूव भी कर रहे हो, अपने कैरेक्टर को भी कवर के अराउंड मूव कर रहे हो, और उसके साथ में एम ले रहे हो। और जो स्कोप ओपन वाला पॉइंट था वो प्रैक्टिस कर लेने के बाद में, जब उनके पास में प्राइम वाला फोन होता है उनका जिसमें उनका हाथ सेट है, तब उसमें इनकी स्कोप ओपनिंग किस तरीके की रहती है ये आप देख सकते हैं। और जब स्कोप मूव करना होता है क्लोज रेंज में, एकदम बहुत ही ज्यादा पास वाली रेंज में, तब उनका देखो किस तरीके से एम रहता है IQ9 में। अरे रे। और वही देखिए आईफोन में। ये मूवमेंट अपने आप में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी ना, क्योंकि पूरा एम यहाँ पे जीरोस्कोप से लेना था, और इतनी तेज़ मूवमेंट के साथ में बंदा पहले पूरा लेफ्ट साइड में गया और फिर पूरा राइट साइड में गया, और यहाँ पर गारंटीड यार अगर IQ9 होता तो ये मूवमेंट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। इस चीज़ के लिए या तो एम चोक हो जाता या फिर थंब का यूज़ करना पड़ जाता। अब इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपने क्लचेस और लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।